हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम भूगोल का, ये आपका 5वां क्लास है, इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रह, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बृहस्पति, बुध और आपका शुक्र ग्रह के बारे में बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यह आकार में जो शनि ग्रह है, यह आकार में दूसरा बड़ा तथा बृहस्पति से छोटा ग्रह है। यानी आकार में कौन सा है? यह दूसरा, और पहला जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति था। और बृहस्पति से यह छोटा है, यानी बृहस्पति पहला हो गया तो दूसरा यह हो जाएगा, दूसरा ग्रह है। यह नंगी आंखों से भी दिखाई दे सकता है। यह नंगी आंखों दिखाई देता है, और ये सबसे दूर ग्रह है और नंगी आंखों से भी दिखाई देता है। यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। नजर आता है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। जो उपग्रहों की संख्या बासठ से अधिक है। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। इस पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है। इसका जो उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह, कौन सा है? टाइटन। इस पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है, यानी आपका जो वायुमंडल है, ये नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह अपनी धुरी पर 10.3 घंटे में घूम जाता है। इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तथा यह अपनी धुरी पर
10.3 घंटे में घूम जाता है। कितने टाइम में घूम जाता है? 10.3। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। साथ ही ये हमने पूरा जो शनि के बारे में पढ़ लिया, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये शनि के बारे में पूछ ले जाते हैं। साथियों, अगर चैनल पे आपको कोई डाउट नज़र आता है तो हमें SMS करके बता सकते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, अगला ग्रह है हमारा अरुण, और उसके बाद में आएगा वरुण, उसके बाद में हमारे जो ग्रह हैं ये पूरे हो जाएंगे। अरुण, अरुण के बारे में पढ़ेंगे। यह सूर्य से दूरी में कौन से स्थान पर है? यह सूर्य से दूरी में है 7वें स्थान पर, और वरुण आता है आपका 8वें स्थान पर, और उसके बाद में आता है अरुण, वरुण और यम। यम आता है 9वें स्थान पर, जो अब कई सालों पहले पलायन कर गया सौरमंडल से, यानी दूर चला गया। यह सूर्य से दूरी का स्थान कौन से स्थान पर आता है? ये 7वें स्थान पर आता है तथा आकार में तृतीय स्थान है। साथियों, आकार में सबसे पहला स्थान किसका था? आकार में सबसे पहला स्थान था बृहस्पति का, उसके दूसरा नंबर पर आता था आपका शनि, और इसके तीसरे नंबर पर आता है अरुण। यह अन्य ग्रहों के विपरीत उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है, यानी यह अन्य ग्रहों के विपरीत, यह अन्य ग्रहों के विपरीत, अन्य ग्रहों के विपरीत उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है, उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता घूमता है। इसके 27 उपग्रह हैं, यानी इसके कितने उपग्रह हैं? उपग्रह उपग्रह कितने हैं इसके? 27 उपग्रह हैं। और इससे पहले जो आपके शनि के उपग्रह कितने थे साथियों? शनि के उपग्रह थे 62 उपग्रह, और उसके बाद में बृहस्पति के कितने उपग्रह थे? बृहस्पति के साथियों कितने उपग्रह थे? 67। इसके कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। इसमें एरियल तथा मिरांड प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं इसमें प्रमुख? एरियल, एरियल और कौन सा? मिरांड, मिरांडा। कौन कौन से हैं? एरियल और मिरांडा। यह अपनी दूरी पर 10.8 घंटे में घूमता है, जबकि सूर्य के चारों ओर 84 दिन में घूमता है।
यहाँ अपनी दूरी पर दस दशमलव आठ घंटे में तथा सूर्य के चारों ओर चारों ओर 84 दिन, कितने दिन में? 84 दिन नहीं, सॉरी, वर्ष, 84 वर्ष में परिक्रमा पूरी करता है। इसके चारों ओर 9 धुंधले वलय हैं। इसके चारों ओर 9 धुंधले धुंधले वलय हैं। ये अरुण के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगला देख लेते हैं साथियों, वरुण। वरुण यह सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। सौर बड़ा ग्रह है। यह धुंधले हरे रंग का नजर आता है। यह धुंधले हरे रंग का नजर आता है। इसके पांच धुंधले हरे रंग वलय हैं, यानी कितने वलय हैं? इसके पांच धुंधले वलय इसके 14 उपग्रह हैं। इसमें टाइटन प्रमुख है। इसे जे जी गेले ने खोजा था। इसके कितने उपग्रह हैं? चौदह उपग्रह हैं। इसका जो प्रमुख उपग्रह है कौन सा है? प्रमुख उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ट्राइटन। यह अपनी धुरी पर 15.7 दिनों में और सूर्य के चार ओर 165 वर्षों में घूमता है। यह अपनी धुरी धुरी पर 15.7 दिनों में और
सूर्य की चारों ओर कितने दिन में घूमता है? 165 वर्षों में, 165 वर्षों में परिक्रमा पूरी करता है। पूर्ण करता है। साथ ही ये हो गया हमारा वरुण। आइए, वैसे यम के बारे में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, परंतु इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। यानी यह सबसे छोटा ग्रह है, इसे बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? जो आपका वरुण ग्रह है, यानी सबसे छोटा ग्रह है, जो पलायन कर गया है या सौरमंडल से, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कपड़ा था एक, ज्यादा बड़ा हो गया या धुंधला धुंधला पाउडर टाइप का हो गया ना इसमें। अब आ जाते हैं किस पर? यम। यम इसे बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य से 9वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 9वें नौवें स्थान पर है। इसे यम या कुबेर के नाम से भी जानते हैं। यम या कुबेर के नाम से भी जानते हैं। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? 248 वर्षों में, 248 वर्षों में पूर्ण करता है। कितने टाइम में पूरी करता है? 248 वर्षों में पूरी करता है। यह अपनी दूरी पर 6.4 दिन में घूमता है।
यह दशमलव चार दिनों में घूमता है। कितने दिन में घूमता है? 6.4 दिनों में घूमता है। यह सबसे छोटा तथा सबसे दूर ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय पूरी करता है। साथ ही सबसे दूर ग्रह है, ये सबसे छोटा भी ग्रह है और अधिक समय में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसका उपग्रह चरोन कहलाता है। उपग्रह, उपग्रह क्या है? चरोन क्या है इसका उपग्रह? चरोन जो इससे आकार में आधा है। आकार में कितना है? आकार में आधा है। साथियों, सौरमंडल में अनेक धूमकेतु तथा उपग्रह हैं। ये हमने आपके जो नौ उपग्रह हैं उनके बारे में पढ़ा आज। साथियों, अब आगे हम सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। आज हम इतने ही वीडियो में इतना ही पढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई गलती नज़र आती है या समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आने वाली वीडियो में अधिक सुधार कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।